जीवन की सीख अंगूठी की कीमत। एक नौजवान शिष्य अपने गुरुवार के पास पहुंचा और बोला, गुरुवार जी, एक बात समझ नहीं आती, आप इतने साधारण वस्त्र क्यों पहनते हैं? इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो सैकड़ों शिष्यों को शिक्षित करने का महान कार्य करता है। गुरुवार जी मुस्कुराए, फिर उन्होंने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और शिष्य को देते हुए बोले, मैं तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा, लेकिन पहले तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। इस अंगूठी को लेकर बाजार जाओ और किसी सब्जी वाले या ऐसे ही किसी दुकानदार को इसे बेच दो। बस इतना ध्यान रहे कि इसके बदले कम से कम सोने की एक अशर्फी जरूर लाना। शिष्य फौरन उस अंगूठी को लेकर बाजार गया, पर थोड़ी देर में अंगूठी वापस लेकर लौट आया। क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्यों लौट आए? गुरुवार जी ने पूछा। गुरुवार जी, दरअसल मैंने इसे सब्जी वाले, किराना वाले और अन्य दुकानदारों को बेचने का प्रयास किया, पर कोई भी इसके बदले सोने की एक अशर्फी देने को तैयार नहीं हुआ। गुरुवार जी बोले, अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम इसे लेकर किसी जौहरी के पास जाओ और इसे बेचने की कोशिश करो। शिष्य एक बार फिर अंगूठी लेकर निकल पड़ा, पर इस बार भी कुछ ही देर में वापस आ गया। क्या हुआ, इस बार भी कोई इसके बदले एक अशर्फी भी देने को तैयार नहीं हुआ? गुरु जी ने पूछा। शिष्य के हाव भाव कुछ अजीब लग रहे थे, वो घबराते हुए बोला, अरे नहीं गुरुवार जी, इस बार मैं जिस किसी जौहरी के पास गया, सभी ने ये कहते हुए मुझे लौटा दिया है कि यहाँ के सारे जौहरी मिलकर भी इस अनमोल हीरे को नहीं खरीद सकते, इसके लिए तो लाखों अशर्फियाँ भी कम हैं। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है? गुरुवार जी बोले, जिस प्रकार ऊपर से देखने पर इस अनमोल अंगूठी की कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के वस्त्रों को देखकर उसे आंका नहीं जा सकता। व्यक्ति की विशेषता जानने के लिए उसे भीतर से देखना चाहिए। बाह्य आवरण तो कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन आत्मा की शुद्धता और ज्ञान का भंडार तो अंदर ही छिपा होता है। शिष्य की जिज्ञासा शांत हो चुकी थी, वह समझ चुका था कि बाहरी वेशभूषा से व्यक्ति की सही पहचान नहीं हो सकती। जो बात मायने रखती है वो ये कि व्यक्ति भीतर से कैसा है। फ्रेंड्स, आज के युग में आप क्या पहनते हैं, कैसे दिखते हैं, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, और कई जगहों पे फोरेक्स किसी इंटरव्यू या मीटिंग वगैरह में तो इसका कुछ ज्यादा ही महत्व है। पर यह भी सच है कि सिर्फ आउटर अपीयरेंस से इंसान को जज नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें कभी भी किसी को सिर्फ इसलिए छोटा नहीं समझना चाहिए क्योंकि उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने, या किसी को सिर्फ इसलिए बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप है। इंसान का असली गुण तो उसके भीतर होता है और वही उसे अच्छा या बुरा बनाता है।